हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं डेटा सफिशिएंसी की ये तीसरी क्लास। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक की दो क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहली क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। दूसरी क्लास में जो है हम लोगों ने ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज जो है हम सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है और बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है कि भई कैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को जो है डेटा सफिशिएंसी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कि डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। जिन्होंने पहली दूसरी क्लास पढ़ी है उनको पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें करना है, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक उन दोनों क्लासों को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। और जो लोग नए हैं, कह सकते हैं जो लोग पहली बार क्लास को पढ़ रहे हैं, तो उनको भी जो है ये परेशान नहीं होना कि सर कैसे होगा, ठीक है ना। उनके लिए उनको भी जो है आज क्लास बिल्कुल समझ में आने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। लेकिन हाँ, डेटा सफिशिएंसी टॉपिक को अगर आपको जो है सही से सॉल्व करना है, कह सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, तो जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो टॉपिक आपको आना चाहिए। जैसे बात यहाँ पर आज सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चनों की हो रही है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को कैसे हमें सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही से आंसर को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस भी कर लेंगे। जो लोग नए हैं, जो जिन्होंने अभी तक सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं पढ़ा, तो उनको एक थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट और राइट लेते हैं, कैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट में एक लाइन में बैठते हैं, जब एक सर्कल की बात आती है तो सर्कल में किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइंस जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं, आपको हमेशा जो है अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ताकि आपको भी जल्द से जल्द सफलता मिले और जिस लक्ष्य को आप चाहते हैं वो लक्ष्य जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो देखिए कुछ लाइंस है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, जितना तुम सोचते हो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज़्यादा नज़दीक है। आपको लगता है बहुत दूर है, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन आपको मौका मिलेगा, ठीक है ना, कि हाँ आज मेरा समय है, अब लक्ष्य मेरे सामने है और अब जो है उस लक्ष्य को भेदने का मेरा जो है टाइम आ गया है, उस दिन आप जरूर वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले से सारी तैयारियां करके रखनी होंगी, ठीक है ना। सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि अभी भी टाइम आपका जो है कह सकते हैं कि अभी भी टाइम नहीं गुजरा है, अभी भी समय नहीं गुजरा, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने के लिए है आपके पास। तो अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखो दिया गया है कि इन द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड गिवन बिलो इट। You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the questions. नीचे दिए गए प्रश्नों में एक प्रश्न और उसके नीचे एक और दो क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फिर आपको ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए फर्स्ट और सेकंड। आपको ये बताना है
कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड में जो डेटा दिया गया है उसके आधार पे आप आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं। अब अगर आपका आंसर निकल आया तो फिर अब जो आपको आंसर देना है वो यहाँ पर ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग देना है। देखो ए कब देना है कि इफ़ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट एलोन आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड एलोन आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। यदि जो है कथन पहले में दिया गया जो डेटा है वो अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है तो आपको आंसर क्या देना है, ए देना है। ओके बी कब देना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड एलोन आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट एलोन आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। यदि जो है दूसरे कथन में दिया गया जो डेटा है वो अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन पहले कथन में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है तो आंसर आप बी देंगे। सी कब देंगे कि इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट एलोन और इन स्टेटमेंट सेकेंड एलोन आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि या तो पहले में, ठीक है ना भाई, यहां पे सी कब देना है कि या तो आप पहला स्टेटमेंट ले लें, ठीक है ना, और या तो केवल आप दूसरा स्टेटमेंट ले लें, मतलब किसी एक को चूज करके आप आंसर निकाल दीजिए। तो आपको आंसर देना है ऑप्शन सी, आइदर और में, कि पहले से भी आंसर आ रहा है दूसरे से भी आपका आंसर आ रहा है तो आपने कहा भाई किसी एक को ले लीजिए, चाहे पहले को ले लीजिए चाहे दूसरे को ले लीजिए, तो वहां पे आंसर आप क्या देंगे, सी देंगे। डी कब देंगे कि इफ द डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टूगेदर आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। यदि जो है कथन पहले और दूसरे में दिया गया जो डेटा है वो मिलकर के भी, दोनों साथ में मिलकर के भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ना तो पहले से निकला ना दूसरे से निकला, और दोनों को मिला के भी आपका आंसर नहीं निकला, तो आंसर आप क्या देंगे, डी देंगे। और इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टूगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। यदि कथन पहले और दूसरे में दोनों में दिया गया जो डेटा मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अर्थात दोनों की जरूरत है, पहले की भी और दूसरे की भी, दोनों की हेल्प आपको चाहिए, तब आपका आंसर निकल पा रहा है, तो आंसर आप क्या देंगे, ई देंगे। क्लियर है? तो किस प्रकार से आंसर देना है ये बात समझ में आ गई, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट होगा, तीन के अकॉर्डिंग यहाँ ए बी सी डी में दिया होगा, ठीक है ना, ये ए बी सी डी ई ये आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन में लिखा होगा, हाँ इसका क्रम चेंज हो सकता है, हो सकता है जो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हो लास्ट वहाँ डी में लिखा हो, ठीक है ना, लेकिन आएगा कुल इसी प्रकार से, ठीक है ना, आपको आंसर ए बी सी डी ई में ही देना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में दो चीज़ें बहुत मस्ट हैं। एक सीटिंग कैसे होनी चाहिए, सीटिंग तो हो गई, अब उसका लेफ्ट राइट मतलब किस प्रकार से आपको लेना होगा, कैसे आप जो है लेफ्ट में किसी के बैठेंगे, कैसे आप राइट में बैठेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे फिर हम क्वेश्चन पे अपने आएंगे, ताकि चीज़ें आपकी कंप्लीट रहेंगी तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है, जो मेन हम यहाँ पर जो है अगर बात करें तो दो टाइप की बात करेंगे, एक आपका लीनियर अरेंजमेंट, जिसे हम बोलते हैं रेखीय क्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय क्रम अरेंजमेंट, और एक आपका सर्कल अरेंजमेंट, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको रेखीय क्रम, ठीक है ना। अब देखो नाम से क्लियर है, लीनियर अरेंजमेंट अर्थात रेखीय क्रम, तो यहां पर देखो जैसे ही आपने रेखीय क्रम लिखा तो आपने कहा यहाँ पर बात होगी एक लाइन की, यहाँ पर बात होगी एक लाइन की, और उस लाइन में लोग बैठे होंगे। जैसे सपोज करो आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, अब आपके घर में जब कोई प्रोग्राम होता है तो आपने कहा भाई सीटिंग
का अरेंजमेंट कैसे करना है, लोगों को बैठाना कैसे है, तो आपने कहा दो तरीके से बैठा लेते हैं, या तो सबको लाइन में बैठा लेते हैं, ठीक है ना, एक लाइन बना देंगे उसमें सब लोगों को चेयर रख देंगे और सबको उस लाइन में बैठा देंगे। एक ने कहा नहीं भाई सर्कल में बैठा दो, ठीक है ना, सबको कहाँ बैठा दो, एक सर्कल में बैठा दो। एक अरेंजमेंट और होता है आपका रेक्टेंगल, जिसे हमको जैसे एक टेबल आपने लगा दिया, ठीक है ना, किसको इसमें आपको टेबल लगा दिया, टेबल के चारों तरफ आपने बैठा दिया। तो थ्री टाइप्स के आपके अरेंजमेंट होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट और आपका जो है सर्कुलर अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना, जिसे हम चौकोर क्रम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चौकोर क्रम में जैसे हम टेबल लगा देते हैं, टेबल के चारों तरफ लोगों को बैठा दिया, कुछ जो है आमने सामने बैठ गए, कुछ जो है आपके जो है किनारों पर बैठ गए, तो वो अरेंजमेंट कैसा होगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अभी हम दो की बात कर रहे हैं, लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो भाई एक लाइन की बात होगी, अर्थात अब यहाँ पर जब लोग बैठेंगे, यहाँ पर जब लोग बैठेंगे तो एक लाइन में कुछ इस प्रकार से बैठेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से लाइन में बैठ गए, ठीक है ना। अब देखो जब लाइन में बैठ गए तो भाई यहाँ पे लाइन में 10 लोग 12 लोग जितनी है आपकी मर्जी चाहे उतनी लाइन आप उतने लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बात याद रखना, जहाँ से आपने लाइन को ड्रॉ करना शुरू किया है, जहाँ से आपने लाइन को ड्रॉ किया है, ये वाला पॉइंट यहाँ से आपने ड्रॉ किया, तो ये आपका कहलाएगा लेफ्ट एंड, ये आपका पॉइंट कहलाएगा लेफ्ट एंड, ठीक है ना, जिसे हम कहेंगे बायां छोर, जिसे हम हिंदी में कहेंगे बायां छोर, ठीक है, लेफ्ट एंड मतलब बायां छोर, ठीक है। और जहां पे ये पंक्ति आपकी खत्म हो गई, जहां पे ये पंक्ति आपकी खत्म हो गई, इसको हम बोलेंगे राइट एंड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे राइट एंड। यहां से आपने इस प्रकार से इसको बनाया और ये लाइन जाके सपोज करो यहां पे खत्म हो गई, यहां पे आपने इसको खत्म कर दिया, तो ये जो आपका हो गया ना, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका राइट इन, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका राइट इन, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही, ये हो जाएगा आपका राइट इन, ठीक है। तो जहां से आपकी लाइन शुरू हुई है वो है आपका लेफ्ट इन, और जहां पे आपकी लाइन खत्म हो गई वो है आपका राइट एंड। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपकी लाइन खत्म हुई है और ये है आपका राइट एंड, ठीक है, क्लियर है, ये है आपका राइट एंड, जिसे हम बोलेंगे दायां छोर, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे दायां छोर, ठीक है ना, दायां छोर। अब देखो क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा वहां पर कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर दिया गया होगा, या तो नॉर्थ या तो साउथ, ठीक है ना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आपका एक डायरेक्शन जरूर दिया गया होगा। तो अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आता है कि सर जो हम लेफ्ट राइट लेंगे क्या वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे क्या, नहीं, आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मत लो, जैसा मैंने बताया है ना इसी प्रकार से आप लेफ्ट राइट लीजिए, ठीक है ना, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी कोई कंफ्यूजन आपको होगा नहीं, उसमें से आएगा ना कि भाई सभी लोगों का चेहरा कहाँ है, नॉर्थ साइड में है या नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में है। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो भाई नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, साउथ कहाँ होता है, नीचे की तरफ, ठीक है ना, इधर कौन होता है आपका ईस्ट और इधर क्या होता है आपका वेस्ट, ठीक है, जिस प्रकार से हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जिस प्रकार से आप कॉपी में ड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब जब कॉपी में आप ड्रॉ कर रहे हैं लाइन को, तो जहां से आपने शुरू किया है इसको ड्रॉ करना वो हो गया आपका लेफ्ट एंड, और जहां पे आपने इस लाइन को खत्म कर दिया वो हो गया आपका राइट एंड, ठीक है, अर्थात दायां छोर। अब बात यहां पर आ रही है कि लेफ्ट और राइट क्या होगा, यहां पर जो लोग बैठेंगे, यहां पर जो लोग बैठेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पे जो लोग बैठेंगे 1 2 3 कितने भी लोग बैठ सकते हैं, 10 लोग 12 लोग, वैसे अभी तक मैक्सिमम 8 या 10 का ही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, तो 8 10 तक ठीक है, आपको समझ में मतलब क्लियर होना चाहिए, बाकी आपको लेफ्ट राइट क्लियर तो कितने लोग भी बैठा सकते हैं, ठीक है ना, कितने लोगों को भी आप बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब ये है कि भाई लेफ्ट किस प्रकार से लेंगे किसका, ये तो इंड की बात हो गई, ये तो रो के इंड की बात हो गई, लेकिन अब बात होनी है कि उसका लेफ्ट राइट जो इस रो में बैठेगा उसका लेफ्ट राइट हम किस प्रकार से लेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे ए बैठ गया, सपोज करो यहाँ पे ए बैठा है, अब ए का लेफ्ट राइट किस प्रकार से आप लेंगे, तो आपने कहा कि भाई इस रो में जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका जो लेफ्ट राइट होगा वो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे,
ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग लेंगे, अपने अकॉर्डिंग। अभी मेरा चेहरा आपकी तरफ है तो आपके लेफ्ट राइट और मेरे लेफ्ट राइट में डिफरेंस है, मेरा जो लेफ्ट है वो आपका राइट है और जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट है। लेकिन जैसे ही मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ हो जाएगा तो मेरा लेफ्ट राइट और आपका लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ हुआ तो ये मेरा क्या हो गया, तो आपने कहा ये आपका राइट हो गया अर्थात दायां, और ये क्या हो गया आपका लेफ्ट अर्थात बायां, ठीक है ना। तो लेफ्ट के लिए हमने क्या प्रयोग किया है, तो आपने कहा लेफ्ट के लिए आपने एल प्रयोग किया है, राइट के लिए आपने क्या प्रयोग किया है, तो राइट के लिए जो है आपने आर प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो लेफ्ट मतलब बायां और राइट मतलब क्या हो जाएगा आपका दायां। इतनी बात क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो अब देखो, किसी भी डायरेक्शन में चेहरा दिया गया हो, लेफ्ट राइट आपको हमेशा इसी प्रकार से लेना है, जो आपका राइट वो उसका राइट, जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट। बस आप ये मान के चलिए कि जो वहां पर जो उस पंक्ति में वो बच्चा बैठा है, जो भी बैठा है, उसका लेफ्ट राइट हमारे लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग होगा और वो हमारी तरह ही बैठा है। सबसे बड़ी बात, जब आप कॉपी में ड्रॉ करते हैं ना, तो एक कंफ्यूजन आता कि सर कहीं ये हमारी तरफ तो नहीं देख रहा, तो आपने कहा नहीं, ये हमारी तरफ नहीं देख रहा, ये देख रहा है, ये हमारी तरह देख रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं उसी प्रकार से ये भी देख रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है लेफ्ट राइट आप आसानी से ले पाएंगे, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो लाइन लीनियर अरेंजमेंट समझ में आ गया, कैसे आपको लेफ्ट राइट लेना है ये समझ में आ गया, लेफ्ट एंड क्या होता है, राइट एंड क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पर हम सर्कल के बारे में और समझ लेते हैं, सर्कल के बारे में हम और समझ लेते हैं भाई। तो अब हम बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की, ठीक है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, अर्थात वृत्तीय क्रम। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, हिंदी में हम कहेंगे इसको वृत्तीय क्रम, क्या बोलेंगे, वृत्तीय क्रम, ओके, अर्थात सर्कुलर अरेंजमेंट, ये हो जाएगा आपका वृत्तीय क्रम, ओके, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट। अब देखो, जैसे ही बात सर्कल की बात आएगी, तो भाई सर्कल में जब लोग बैठेंगे तो उसमें कंडीशन दो होगी, या तो सबका चेहरा सेंटर की तरफ हो, या तो सबका चेहरा सेंटर के बाहर की तरफ हो। तो अगर अगर सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, ठीक है ना, फेसिंग इन सेंटर, ठीक है, तो यहां पर मेन वही है कि लेफ्ट राइट किस प्रकार से आप लेंगे। तो अगर सबका चेहरा जो है सेंटर की तरफ है, ये देखो एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, एक काम करते हैं सर्कल यहां से ले लेते हैं, ठीक, यहां से ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल, क्या है हमको यहां पे करना है कि भाई लेफ्ट क्या होगा राइट क्या होगा, ठीक है, एक बार देखता हूं ये क्या होगा, आप क्यों भागने लगे हो, ठीक है, दिख रहा, मुझे पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो अब यहां पर हमने इसको सर्कल को ले लिया है, ठीक है ना, सबका चेहरा कहाँ है, सेंटर की तरफ है, इसको जरा और इधर ले लेते हैं भाई, जरा दो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लाना पड़ेगा, ठीक है, चलिए क्लियर।
अब देखिए ये सर्कल है, सबका चेहरा कहाँ है, सेंटर की तरफ है, सबका चेहरा है कहाँ, सेंटर की तरफ है, तो आपने कहा सेंटर की तरफ है, तो यहां पर जो है, अब देखो इनको हमने इस प्रकार से बैठा दिया, इनको हमने इस प्रकार से बैठा दिया, सबका चेहरा जो है सेंटर की तरफ ले लिया हमने, और यहां पर आठ लोगों को इस प्रकार से हमने बैठा दिया, ये हो गया, आठ लोग बैठा सकते हैं आप, अब दस लोग बैठा सकते हैं, अभी हमने आठ लोगों के बारे में पढ़ा, ये सेंटर पॉइंट हो गया, और सबका चेहरा कहां है, सेंटर की तरफ, ये हो गया देखो सेंटर की तरफ। मेन यही है कि लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा। तो अब आप एक ये चीज मान के चलो कि इन सब, जैसे कि आपकी घड़ी होती है, जैसे कि आपकी क्लॉक होती है, तो जब क्लॉक वाइज चलेंगे, जब घड़ी की डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, ठीक है ना, तो जो आपका सर्कल, जैसे कि हम अपने रियल लाइफ में देखें, तो भाई जब हम क्लॉक वाइज चलते हैं तो हमेशा आप राइट लेते हैं, जब एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं। लेकिन जो सर्कल होता है, और जब सबका चेहरा कहाँ हो, सेंटर की तरफ हो, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो सर्कल है वो जस्ट जो है क्लॉक के रिवर्स हो जाएगा। तो क्लॉक वाइज में क्या होगा, आपका क्लॉक वाइज में लेफ्ट, और एंटी क्लॉक वाइज में क्या हो जाएगा, राइट। तो देखो ये क्लॉक वाइज है, ये क्लॉक वाइज मूवमेंट है, और ये एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट है, ये क्लॉक वाइज मूवमेंट है, ये क्लॉक वाइज मूवमेंट है सी डब्ल्यू, और क्लॉक वाइज मूवमेंट में आप क्या लेंगे, तो आपने कहा क्लॉक वाइज मूवमेंट में हम लेफ्ट लेंगे, और ये मूवमेंट ए सी डब्ल्यू है, ये मूवमेंट ए सी डब्ल्यू अर्थात एंटी क्लॉक वाइज है, तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, राइट लेंगे, इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, राइट लेंगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो जब क्लॉक वाइज आप मूवमेंट करेंगे तो लेफ्ट लेंगे, और जब एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट करेंगे तो क्या लेंगे, राइट लेंगे। कब, जब सबका चेहरा कहाँ हो, सेंटर की तरफ। अब यहाँ पे बात करें फेसिंग इन आउटसाइड, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फेसिंग इन आउटसाइड, ठीक है ना, फेसिंग इन आउटसाइड, इन आउटसाइड अर्थात सबका चेहरा कहाँ हो, बाहर की तरफ, सबका चेहरा कहाँ हो, बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो यहां पर देखो एक सर्कल हमने बना लिया, एक सर्कल यहां से जरा ले लेते हैं भाई फिर से, और यहां पे कलर कर लेते हैं ताकि आपको दिखने लगे, और यहां पे इसको और इधर लेके आते हैं, ठीक, ये हो गया। अब सबका चेहरा कहां है, सेंटर से बाहर की तरफ है, सबका चेहरा कहां है, सेंटर से बाहर की तरफ है। तो यहां पर लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे जरा उसको समझ लीजिए। तो आपने कहा कि सेंटर के बाहर की तरफ है, बैठेंगे इसी प्रकार से, ठीक है ना, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट। अब लेकिन जो चेहरा है वो सबका कहाँ है, बाहर की तरफ है, सब लोग इस प्रकार से बैठे हैं, कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा, सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना, सबकी पीठ एक दूसरे की ओर है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे, तो देखो आपने कहा कि जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ था तो क्लॉक वाइज में क्या था, आपका लेफ्ट, और एंटी क्लॉक वाइज में क्या था, आपका राइट। तो जब सबका चेहरा बाहर की तरफ होगा तो इसके जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा, तो क्लॉक वाइज में अब क्या हो जाएगा, तो आपने कहा क्लॉक वाइज में अब हो जाएगा राइट, क्लॉक वाइज, ये है क्लॉक वाइज, ये है सी डब्ल्यू अर्थात क्लॉक वाइज, और ये है आपका मूवमेंट एंटी क्लॉक वाइज ए सी डब्ल्यू। तो अब देखो अब ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट में हो जाएगा आपका राइट, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज में हो जाएगा लेफ्ट, एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट में हो जाएगा आपका लेफ्ट, चूंकि भाई चेहरा सबका बाहर की तरफ है ना, तो अब जो है ये घड़ी की तरह रिएक्ट करने लगेगा, तो क्लॉक वाइज में क्या होगा राइट, और एंटी क्लॉक वाइज में हो जाएगा आपका लेफ्ट, तो एंटी क्लॉक वाइज में लेफ्ट, और क्लॉक वाइज में जो है आपका हो जाएगा राइट, क्लॉक वाइज मूवमेंट में क्या हो जाएगा आपका राइट। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। अगर चेहरा जो है सेंटर की तरफ है तो क्लॉक वाइज में लेफ्ट, और एंटी क्लॉक वाइज में आपका राइट, अगर चेहरा बाहर की तरफ है तो क्लॉक वाइज में राइट, और एंटी क्लॉक वाइज में लेफ्ट। बातें क्लियर हैं, किस प्रकार से आपको लाइन में जब लोग बैठते तो लेफ्ट राइट लेना है, जब सर्कल में लोग बैठते तो कैसे आपको लेफ्ट राइट लेना है, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा सा चीजें हमें समझ ली, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी एमंग फाइव पर्सन पी क्यू आर एस एंड टी फेसिंग नॉर्थ,
उत्तर की ओर मुख किए हुए पांच व्यक्तियों पी क्यू आर एस और टी में से पी के निकटतम दाएं कौन हैं? आर इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, आर क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है और पी के पी आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, क्यू टी के निकटतम बाईं ओर है जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक ये गलती है कि अब यहाँ पर देखो पहली बात तो ये नहीं दिया गया कि भाई लाइन में बैठे हैं, लेकिन आपने कहा सर गलती तो है लेकिन वहाँ पर देखो डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्शन क्या दिया गया, सबका चेहरा कहाँ है, नॉर्थ में। तो इससे हम जो है ये यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर लोग लाइन में बैठे हैं, ठीक है ना। शुरुआत में कहीं लाइन में लिखा है क्या कि भाई सभी लोग जो है पांचों व्यक्ति एक लाइन में बैठे हैं और सबका चेहरा कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। नहीं, लेकिन जब भी बात लाइन की होती है तो कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर दिया होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर इस बात को आपको क्लियर कर लेना है कि सर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लाइन के बारे में दिया गया लेकिन डायरेक्शन दिया गया है, इससे क्लियर होता है कि लोग लाइन में बैठे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब देखो पांच व्यक्ति हैं तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर ली, इस प्रकार से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। पांच पर, फाइव पर्सन है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना, ये फाइव पर्सन इस प्रकार से बैठ गए। अब कौन कहां बैठा है हमें नहीं पता, हमें जो क्वेश्चन बताना है केवल हमें उसका आंसर चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी, ठीक है ना, पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, हमें केवल इसका आंसर चाहिए। जैसे अब देखो पी कहां बैठा है अभी हमें खुद नहीं पता। अब जरा पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है, तो आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। आर जो है क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, और पी आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब यहां पर देखो हम अरेंजमेंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेफ्ट राइट आपको पता है कि भाई ये वाला एंड आपका लेफ्ट एंड है, ये आपका राइट एंड है, जो यहां पर लोग बैठेंगे उनका लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट उसका राइट। तो यहां पर देखो दिया है कि आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, लेफ्ट की अगर बात करें तो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट इधर होगा, और इसी के आगे दिया कि पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, पी आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है पांच पर्सन, ये भी याद रखिए। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो कहीं ना कहीं पी इधर होगा तभी तो आर, आर उसके राइट में आ पाएगा, तभी तो आर उसके कहां पाएगा, राइट में आ पाएगा। और जो आर है वह क्यू के बाएं कितना है, दूसरे तीसरे स्थान पर है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं देखो तो क्यू को अगर मैं यहां कहीं रखता हूं, देखो क्यू को मैं यहां से रखना स्टार्ट करता हूं, अगर क्यू को मैंने यहां रखा तो 1, 2, 3 आर यहां पे आ सकता है, आपने कहा बिल्कुल आ सकता है। ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बना रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अभी हमने सेकेंड की बात ही नहीं की, ठीक है। अब देखो अगर मैंने क्यू को यहां पे रखा तो आर जो है क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो भाई क्यू अगर यहां है तो 1, 2, 3 आर यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। कभी भी किसी के लेफ्ट या राइट में आपको रखना हो तो कभी भी उसको लेके काउंटर नहीं करना है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो 1, 2, 3 आपका आर यहां पर हो जाएगा। और कह रहा है कि जो पी है, पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, अब अगर आर यहां पर है तो पी फिर यहां पर होगा, पी आपका यहां पर होगा, ये बात क्लियर है कि नहीं। पी जो है वह आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो भाई जहां पे आर बैठा है उसके राइट में, राइट तो यही होगा ना, क्यू का लेफ्ट ये है, आर का राइट ये है। अब देखो इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन हम बना सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन हम यहां पर अभी बना सकते हैं। अगर आप बात करें यहां पे क्यू को हम यहां रख सकते हैं, तो आपने कहा कि ये भी कंडीशन तो आप बना सकते हैं, देखो पांच पर्सन है ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, अगर आपने क्यू को यहां पर रखा होता, क्यू को यहां पे रखा तो 1, 2, 3 आर यहां पे आता, तो यहां पे पी आ जाता। इन दोनों कंडीशन के अलावा क्या तीसरी कंडीशन बन सकती, नहीं बन सकती, ये दो कंडीशन आपकी बन सकती है, ठीक है ना। बहुत सारी ने केवल दो कंडीशन बनेंगी, ठीक है, कि क्यू या तो सबसे लास्ट में होगा अर्थात राइट एंड में होगा, और या तो आपका सेकेंड प्लेस में होगा, अब आगे नहीं जा सकता, अगर आगे जाएगा तो फिर आर नहीं बैठ पाएगा, अगर क्यू को यहां बैठेंगे तो फिर आर के लिए इधर जगह ही नहीं है, और आर उसके लेफ्ट में बैठेगा तो दिया ही गया है,
तो भाई इससे आगे कंडीशन आप नहीं बना सकते। अब जरा दूसरे पे आ जाओ, ये तो केवल पहले पे आंसर। अब देखो क्या 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 पूछ रहा है कि पी के राइट में कौन है, ठीक है ना, पी के निकटतम दाएं कौन है। तो भाई पी के निकटतम दाएं कौन है, क्यू, देखो आ गया ना, पी के निकटतम दाएं कौन आ गया, क्यू। तो आप जितनी कंडीशन बना रहे हैं पी के निकटतम दाएं आपका क्यू ही मिल रहा है, ठीक है ना, पी के इमीडिएट राइट में कौन मिल रहा है, आपका क्यू मिल रहा है। दोनों कंडीशन में आपने यहां भी क्यू को रख के देख लिया, आपने यहां भी रख के देख लिया, तो पहले से तो आंसर आ गया। आपको अपने मतलब है केवल और केवल आंसर से ध्यान रखिएगा, बाकी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपका आंसर निकल आया ना कि पी के इमीडिएट राइट में कौन है, क्यू है। आंसर देखो इस कंडीशन से भी निकल आया, इसका से निकल आया, तो केवल पहले से तो आंसर निकल आया। अब हम जरा दूसरे की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमने फाइव एक लाइन खींच दी ऐसे और फाइव पर्सन को ऐसे बैठा दिया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या केवल दूसरे से निकल रहा है क्या, देखो जरा दूसरा क्या, क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। क्यू टी के निकटतम बाई ओर है, ठीक है ना, और जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब देखो एक बात याद रखना, ये जो हु वर्ड आता है ना, ये हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, आपका टी होगा, क्योंकि हु के नजदीक में कौन है, आपका टी। हिंदी में कहते हैं जो वर्ड है वो हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहां पे पी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन होगा, टी होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर आप पी को यहां पर रखते हैं, पी को अगर आपने यहां रखा, ठीक है ना, तो अब यहां पर आपका जो टी है वो यहां पर आएगा, यहां पे कौन आएगा, टी आएगा, यहां पे कौन आएगा, आपका टी, ठीक है। ये तो कह रहा है कि जो क्यू टी के निकटतम बाईं ओर है, जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो भाई जो पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पी को अगर हमने यहां रखा तो टी यहां पर आ जाएगा और क्यू देखो यहां पर आएगा, क्यू यहां पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। देखो अगर टी यहां पर है तो क्यू, चूंकि जो क्यू है वो टी के कहां है, राइट लेफ्ट में है, तो भाई और इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। तो यहीं पर आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर दूसरी कंडीशन हम बनाते हैं, आपने कहा सर दूसरी कंडीशन जरा बना के देख लेते हैं भाई। देखो यहां पे हमने एक कंडीशन और बना ली, यहां पे पांच लोगों को बैठा दिया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपने कंडीशन और बना के देख ली, अगर पी आपका यहां पर होता, पी अगर आपका यहां पर होता तो टी यहां पर होता तो क्यू यहां पर होता, फिर भी पी के इमीडिएट राइट में कौन निकल रहा है, आपका क्यू। अगर आप इस एक कंडीशन और आप बना सकते हैं कि लास्ट में टी को ले जा सकते हैं, और अगर लास्ट में ले जाएंगे तो भी आपका क्यू बीच में आएगा और पी और टी के बीच में आएगा, तो पी के इमीडिएट राइट में कौन आ गया, आपका क्यू आ गया। तो केवल पहले से भी आंसर आ रहा है, केवल दूसरे से भी आंसर आ रहा है। तो यहां पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, आइदर आर वाला, कि या तो आप पहला स्टेटमेंट ले लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या तो केवल आप दूसरा स्टेटमेंट ले तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इन अ रो ऑफ 5 चिल्ड्रन ए बी सी डी एंड ई, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल। पांच बच्चों ए बी सी डी और ई की पंक्ति में बीच में कौन खड़ा है। तो देखो यहां पे आपने तुरंत क्या किया, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस प्रकार से, पांच बच्चे खड़े हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, पांच बच्चे इस प्रकार से आपने खड़े कर दिए। अब यहां पे देखो कह रहा है कि मिडिल में कौन है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। पांच बच्चे कौन है, ए बी सी डी ई। अब हमें नहीं पता कि कौन कहां बैठा है, लेकिन जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा कि लाइन थी तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, पांच लोगों को बैठा दिया। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट पे, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई एंड बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है ना। जो आपका डी है वह ई के ठीक दाईं ओर है और बी ई के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। अब एक चीज देखो, केवल लेफ्ट राइट की बात हो रही तो बहुत सारी कंडीशन हम यहां पे बना सकते हैं, ठीक है ना, मतलब जितनी पॉसिबल है उतनी बना सकते हैं, बहुत सारी का मतलब यहां पर यह है कि जितनी पॉसिबल है। अब जो पॉसिबल है उसको आप कैसे बना सकते हैं, तो जो कंडीशन पॉसिबल है उसको आप यहां पर बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए,
और जब दूसरा देखो दूसरे में क्या दिया गया है, तो अभी इसको हम यहाँ पे अभी स्किप करते हैं, दूसरे में चलते हैं। क्या किसी की एग्जैक्ट स्थिति दी गई है? क्या किसी को हम जो है एकदम बैठा सकते कि उसको वहां से हम उठा ही नहीं सकते? तो आपने कहा दूसरे में दिया गया है कि बी इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो, बी जो है पंक्ति के सबसे बाईं ओर है। अब अगर हम दूसरे को ले लें पहले, तो आप कहेंगे बी का स्थान एकदम क्लियर हो गया, बी का स्थान क्लियर है, बी उसमें दिया गया है कि बी सबसे बाईं ओर है, एक्सट्रीम एंड में है। तो आपने कहा यही तो आपका जो है लेफ्ट एंड होता है, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, और जो बी कहाँ है, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका ये। तो यहां पे आप देखो बी का स्थान क्लियर हो गया, अब बी को आप हटा नहीं सकते। अब जरा अगर पहले की हेल्प ले लें तो क्या आंसर देखो निकल आएगा क्या? तो आपने कहा पहले में दिया गया है बी से रिलेटेड कुछ दिया गया, बिल्कुल दिया गया है कि ई एंड बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सॉरी बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो यहां पे ई हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके पहले दिया कि डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है ना। डी जो है वह ई के ठीक कहां है, दाईं ओर है, ठीक है, क्लियर है भैया। तो कह रहे हैं कि जो आपका बी है बी ई के ठीक दाईं ओर बाईं ओर है, अच्छा बी जो है वह ई के ठीक बाईं ओर है, ठीक, और डी जो है वह ई के ठीक दाएं है, तो यहां पर डी आ जाएगा, ठीक है। डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो यहां पे आपका डी आ जाएगा, क्योंकि यही तो आपका राइट है, ये राइट है और ये क्या है आपका लेफ्ट है, ठीक है, तो यहां पे डी आ जाएगा। अभी दो व्यक्ति और बचे हैं, अभी दो व्यक्ति और बचे हैं, उसमें कौन कौन से हैं? तो आपने कहा ए है, ए है और सी है। तो यहां पर देखो ए और सी के बारे में और कोई जानकारी आपके इसमें नहीं दी गई, लेकिन आपका आंसर आ गया। आपका आंसर इसलिए आ गया कि यहां पर या तो ए होगा, या तो यहां पर ए होगा, या तो यहां पर सी होगा, या तो यहां पर सी होगा। इन दोनों की स्थिति आपकी जो है चेंज हो सकती है, लेकिन यह भी क्लियर है कि यहीं पर ए और सी में से दोनों कोई ना कोई होंगे, लेकिन मिडिल में कौन होगा वो डी होगा, ये बात तो क्लियर होगी। मिडिल में कौन होगा आपका, डी होगा, ये आपका आंसर आ गया। तो दोनों को मिला के आंसर आया ना, दोनों को मिला के आंसर आया पहले और दूसरे का, तो यहां पर आंसर आपका ई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, दोनों से मिला के आपका आंसर आया, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए है कि इन अ रो ऑफ फाइव बिल्डिंग्स पी क्यू आर एस एंड टी विच बिल्डिंग इज इन द मिडिल, पांच इमारतों पी क्यू आर एस और टी की एक पंक्ति में कौन सी इमारत बीच में है, बिल्डिंग एस एंड क्यू आर एट द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ रो, इमारत एस और क्यू पंक्ति के दो अंतिम छोर पर है, ठीक है ना। बिल्डिंग टी इज टू द राइट ऑफ बिल्डिंग आर, इमारत टी इमारत आर के दाईं ओर है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो भाई पांच बिल्डिंगें हैं, आपने कहा सबसे पहले एक रोखी इस प्रकार से यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखो अगर हम यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका पहला कथन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, तो यहां पर देखो क्या आएगा। आपने कहा दिया गया है पहले की बिल्डिंग एस एंड क्यू आर एट द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। अब देखो आपने कहा किस एंड में कौन सा है, ये भी तो क्लियर नहीं है, दोनों एक्सट्रीम एंड में ये तो क्लियर है। तो आपने कहा कि भाई अगर एस यहां होगा तो आपने कहा क्यू इस एंड में होगा, अगर क्यू यहां होगा तो यहां पर आपका एस हो सकता है, बिल्कुल दो एक्सट्रीम एंड होते हैं आपका, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है ना। तो भाई अगर एक में आपका एस है तो दूसरे में क्यू होगा, एक में अगर क्यू तो दूसरे में एस होगा। तो इस आधार पे भाई क्यू और एस कहां पर है ये क्लियर नहीं है, लेकिन एंड में है ये बात क्लियर है। अब जरा दूसरे पे आ जाओ और हमें बताना है मिडिल में, हमें बताना है कहां, मिडिल में, ठीक है ना। अब अगर दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करें, अगर दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करें, दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है देखो जरा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया है आपका कि बिल्डिंग टी इज टू द राइट ऑफ बिल्डिंग आर, जो बिल्डिंग जो इमारत टी है वह इमारत आर के दाईं ओर है। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपने कहा कि यहां यहां तो अगर हम दोनों को मिलाते हैं, अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो यहां और यहां आर और टी को हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब ये तीन जगह आपकी खाली हैं,
अगर इसको भी हम यहाँ पे मिला लें, हम फर्स्ट को भी यहाँ पे लेके आए कि सर यहाँ पे यस और क्यू को आप मान लें, यस और क्यू आपने मान लिया, ठीक है। अब सेकेंड को हम ले लेते हैं यहाँ पे कि जो टी है, जो इमारत टी है वो इमारत आर के कहाँ है, दाईं ओर है। तो आपने कहा कि टी यहाँ होगा तो आर यहाँ होगा, आपने कहा आर टी यहाँ भी हो सकता है, अगर आर यहाँ होगा तो टी यहाँ चला जाएगा। तो क्या जो है दोनों को मिला के भी आंसर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि आर टी की भाई आर टी जो है वह आर के कहाँ है, इमीडिएट राइट में है। आपने कहा आर अगर यहां होगा तो टी यहां होगा, आर यहां और टी यहां भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपने कहा कि दोनों से मिलकर के भी आंसर आपका नहीं आ पा रहा, तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन डी होगा। वो क्या होगा, ऑप्शन डी, दोनों से जो है दोनों कथन मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई आपका है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि फाइव फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, हु इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम राइट एंड। पांच मित्र पी क्यू आर एस और टी पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, दाएं छोर पर कौन खड़ा है। अब देखो, मैंने आपको शुरुआत में कहा डायरेक्शन कोई भी दिया गया हो आपको कोई जो है परेशान नहीं होना है और कोई कन्फ्यूजन अपने दिमाग में नहीं लाना है। आपको तुरंत एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करनी है, ड्रॉ कर दिया आपने। कितने लोग हैं, पांच मित्र हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब कह रहा है कि पांच मित्र जो है इसमें आपको बताना है कि जो है आपका एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन है, ठीक है ना, अर्थात दाएं छोर पर कौन खड़ा है, दाएं छोर अर्थात यहां पे कौन खड़ा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जरा हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्या दिया है, तो ओनली पी इज बिटवीन एस एंड टी, आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, ठीक है ना, एस और टी के बीच केवल पी है, ओके, और आर टी के ठीक दाई ओर है। अब देखो कहीं ना कहीं टी इस पार्ट में होगा, एक तो ये तो क्लियर हो गया भाई। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे एक कंडीशन बना दी, यहाँ पे हमने एस को रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने किसको रख दिया, पी को, और यहाँ पे हमने टी को रख दिया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपने कहा यहाँ पे आपका आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा आर। हम टी को इधर नहीं ले सकते, हम टी को इधर नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अगर हम टी को इधर ले लेंगे, एस जहाँ लिया है हमने, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, आर टी के लेफ्ट में हो जाएगा, जबकि यहां पे राइट में कहा गया इमीडिएट राइट में, तो फिर जो है टी यहीं पर आप इसी तरफ लेंगे। अब अगर हम चाहें तो यहां पे एक कंडीशन और बना सकते हैं, वो कंडीशन क्या है, आपको समझ में बात आ गई होगी कंडीशन क्या बनाना है, यहां पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपने कहा कि सर अगर यस यहां पर होगा तो पी यहां पर होगा, तो टी यहां पर होगा, तो आर यहां पर हो सकता। अब दूसरी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इन दोनों कंडीशन क्या, दूसरी तीसरी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब जरा हम आ जाते हैं जो है सेकंड जो है आपके स्टेटमेंट में, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो है दाएं छोर पे कौन बैठा है, ठीक है ना, राइट एंड में कौन बैठा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाई अगर ये अरेंजमेंट सही होता तो आपका आंसर आर आ जाता, लेकिन अरेंजमेंट तो ये भी सही है, तो फिर आंसर अभी आर नहीं हो सकता। अब जरा सेकंड में, सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में दिया गया है कि आर इज बिटवीन टी एंड क्यू, सेकंड में दिया गया है अगर इन पांचों की हम बात करें यहां पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखो अगर हम इसको यहां पर दोनों को मिक्स कर लेते, दोनों को आपस में मिला देते हैं, दोनों की हेल्प से अगर आंसर हम निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पे दिया गया है कि R इज बिटवीन T एंड Q। अब अगर हम R को सबसे लास्ट में लिखते हैं तो R, T और Q के बीच में नहीं हो पाएगा, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तब की बात है, ठीक है ना, तो आंसर आपका क्या निकल आएगा। तो आपने कहा कि अगर दोनों को मिलाना है तो फिर R हम लास्ट में नहीं, लेकिन अगर हाँ यहां पर आर होगा तो लास्ट में हम क्यू को रख सकते हैं। तो आपने कहा कि यहां पर एस, यहां पर पी,
यहाँ पे टी, यहाँ पे आर और यहाँ पे क्यू। देखो टी और क्यू के बीच में कौन आ गया, आपका आर आ गया, और सबसे आपके दाएं छोर पे कौन आ गया, क्यू आ गया। दाएं छोर पे कौन आ गया, आपका क्यू आ गया। तो आंसर आपका निकल आया ना कि दाएं छोर पे कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्यू है, ठीक है ना। तो दोनों को मिला के आंसर आपका आया, दोनों स्टेटमेंट को मिला के आपका आंसर आया, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे जो सॉरी ऑप्शन ई होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ई। कीप द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। दोनों मिलकर के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ऑप्शन आपका ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका फिफ्थ नंबर है कि अमंग ए बी सी डी एंड ई हु इज इन द मिडिल वाइल स्टैंडिंग इन अ रो। ए बी सी डी और ई में से एक पंक्ति में खड़े होने पर बीच में कौन है। तो पहला स्टेटमेंट आपका दिया कि सी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी जो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए के दाएं, ए के ठीक दाएं और ई के बाएं दूसरे स्थान पर है। दूसरा दिया गया सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड एंड हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। डी इज एट वन ऑफ द एंड। सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो किसी भी छोर पर नहीं है, और जो ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ए के और डी किसी एक छोर पर है, ठीक है। तो अब यहां से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि मिडिल में कौन है। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम को बना लेते हैं। कितने लोग हैं, तो आपने कहा 5 पर्सन है, आपने एक लाइन खींच दी, 5 पर्सन है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर देखो अगर हम बात करें तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि सी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो यहां पे जो हुआ है वो अलग कॉन्सेप्ट में, ध्यान रखिएगा, सी जो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, तो आपने कहा कि डी कहीं ना कहीं इधर होगा, तभी तो सी उसके लेफ्ट में हो पाएगा, तभी तो सी उसके कहां हो पाएगा, लेफ्ट में हो पाएगा। और कितना थर्ड पे है, कितने किस प्लेस पे है, सी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो आपने कहा कि डी अगर यहां पर होगा तो 1, 2, 3 नहीं, यहां पर तो नहीं, कितने यहां पर हो सकता है, क्योंकि यहां पर तो फिर उधर जगह ही नहीं बचेगी। डी अगर यहां पर होगा तो 1, 2, 3 सी यहां पर आप ले सकते हैं। एक कंडीशन और पॉसिबल है कि डी यहां पर आ जाए, तो सी आपका एक स्थान और आगे आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम सी को लेते हैं तो क्या कह रहा है कि सी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी जो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए के ठीक दाएं और ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर। अब देखिए यहां पर दिया गया है आगे जो है कि भाई सी जो है, सी को अगर हमने यहां बैठाया तो डी को हमने यहां ले लिया, ठीक है। अब इसमें दिया है कि सी जो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए के ठीक कहां है, दाएं है, इमीडिएट राइट में है, और ई के कहां है, बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो यहां पर सारी बातें सी के बारे में हो रही है, सारी बातें किसके बारे में हो रही है, सी के बारे में। तो आपने कहा कि अगर आपने सी को यहां बैठा दिया तो फिर हम ए को इधर नहीं बैठा सकते, क्योंकि भाई जो सी है वो ए के कहां है, इमीडिएट राइट में है, तो कहीं ना कहीं ए को इधर बैठना चाहिए, इसलिए सी को हम यहां पर नहीं बैठा सकते। सी अभी हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हम सी को एक स्थान आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपने कहा एक काम करिए, यहां से सी को उठा के आप यहां पर रख दीजिए। सी को हमने यहां पर रख दिया तो यहां पर आपका डी आ गया। देखो जब डी यहां पर आ गया तो यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका ए। अब देखो जो सी है वह डी के अभी भी कहां है, लेफ्ट में थर्ड। भाई हर एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना, ठीक है ना, कोई भी कंडीशन ऐसे नहीं कि नहीं उसको किनारे कर दिया जाए, नहीं। तो यहां पे देखो डी के बाएं तीसरा आपका सी आ गया, सी जो है ए के कहां है, इमीडिएट राइट में हो गया। अब देखो क्या कह रहा है कि और जो है सी ई के कहां है, बाएं दूसरे स्थान पर है, तो जहां पे सी बैठा है वह सी जो है ई के बाएं। अब सी डी और ए इन तीनों की पोजीशन एकदम क्लियर है, इनको हम यहां से हटा नहीं सकते, और सी जो है वह ई के लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पे है, तो आपने कहा ई को यहां पे रख दीजिए। देखिए तभी तो 1, 2 यही तो इसका ई का लेफ्ट होगा, तो 1, 2 यहां पे आपका ई हो जाएगा। तो एक ही पर्सन तो बचा, कौन बचा, आपका बी।
तो बी देखो यहां पे हो जाएगा। तो केवल पहले से आपका आंसर निकला है कि मिडिल में कौन है आपका बी है, केवल पहले से आपका आंसर निकला है मिडिल में कौन है आपका बी। अब जरा केवल दूसरे की बात कर लेते हैं, सेकंड की जरा बात करते हैं। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो आपने कहा पांच पर्सन है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखो यहां पे दिया गया है सेकंड में कि सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड एंड हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, डी इज एट वन ऑफ द एंड। अब आपको तक जो हु वर्ड आया है हमेशा अपने नजदीक वालों को डिफाइन करता है। तो यहां पर देखो दिया गया कि सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड। ई जो है किसी भी छोर पर नहीं है, ई जो है किसी भी एंड पर नहीं, किसी भी छोर पर नहीं है, दो एंड मतलब ई यहां और यहां नहीं हो सकता। सी जो है वह ई के लेफ्ट में दूसरे प्लेस पे, दूसरे स्थान पर है। तो आपने कहा ई अगर यहां पर होगा, यहां पर तो ई हो सकता है ना, आपने कहा बिल्कुल, तो सी यहां पर होगा, ठीक है। ई यहां नहीं हो सकता, ई किसी भी एंड पर नहीं, किसी भी छोर पर नहीं है। तो आपने कहा इधर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई सी उसके लेफ्ट में बैठा है, तो अगर यहां पे होगा तो इधर तो कोई फिर सी बैठ ही नहीं पाएगा, तो इस एंड में ई है ही नहीं, तो ई को हमने यहां पर रख लिया, तो सी यहां पे आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि हु इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड एंड हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, और वह जो है आपका ए के दाएं कितना है, तीसरे स्थान पर है। तो आपने कहा कि अगर ई को मैं यहां पर बैठाता हूं तो मैं ए को यहां पर बैठाऊंगा, देखो 1, 2, 3 तभी तो उसके राइट में थर्ड पे हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे ई को बैठाता, सी यहां पर आता, तो फिर ए को मैं उसके राइट में थर्ड नहीं ले पाता, ठीक है, मेरी बात क्लियर है। तो ये जो कंडीशन एकदम क्लियर हो गई कि अब न तो हम सी को हटा सकते, ना तो हम ई को हटा सकते, ना तो हम ए को हटा सकते, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या कह रहा है कि डी इज एट वन ऑफ द एंड, तो एक एंड में ए है, तो एक एंड में यहां पर डी हो जाएगा, तो मिडिल में आपका बी आ जाएगा, मिडिल में क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। तो केवल दूसरे स्टेटमेंट से भी आपका आंसर निकल आया कि मिडिल में कौन होगा आपका बी होगा, केवल पहले स्टेटमेंट से भी आपका आंसर निकल आया मिडिल में कौन होगा आपका बी होगा। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी, आइदर आर वाली कंडीशन होगी कि या तो आप पहला स्टेटमेंट ले लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या तो आप दूसरा स्टेटमेंट ले लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि एम डी टी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है ना, लेफ्ट डी। एम डी टी और डब्ल्यू एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, डी के ठीक बाईं ओर कौन है। तो अब यहां पर एक चीज देखो, आपको मैंने बताया शुरुआत में कि जब भाई लोग एक सर्कल में बैठते हैं सबका चेहरा केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ, फेसिंग सेंटर, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा राइट। जब फेसिंग आउटसाइड तो क्लॉकवाइज में क्या होगा आपका जो है, क्लॉकवाइज में हो जाएगा आपका राइट और एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। तो अब यहां पर देखो कितने चार लोग हैं, तो एक वृत्त एक सर्कल में बैठे हैं, आपने तुरंत एक काम किया सर्कल खींच दिया, और दो जो है आपके स्टेटमेंट दोनों को अलग अलग हम यहां पे बना लेते हैं। तो दो सर्कल हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, एक सर्कल आपका सेकंड स्टेटमेंट के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी दोनों को हम जो है आपस में बाद में मर्ज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेटमेंट के लिए। अब जरा फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि एम इज बिटवीन टी एंड डब्ल्यू एंड डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। अब देखो चार लोग हैं, तो चार लोगों को आपने इस प्रकार से बैठा दिया, चार लोगों को इस प्रकार से बैठा दिया, ये सेंटर पॉइंट है, सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब सर्कल में आप जो है सर्कल को लाइन से ज्यादा आसान होता है सॉल्व करना, आप कहीं से भी लोगों को बैठा सकते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे दिया एम इज बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, तो आपने कहा कि अगर यहां पर आपका एम होगा, अगर यहां पे आपका एम होगा, ठीक है ना, अगर यहां पे आपका एम होगा, तो यहां पर कह रहा कि एम जो है वह टी और डब्ल्यू के ठीक बीच में है और टी टी के ठीक बाईं ओर है। तो भाई देखो यहां पे क्या है, एम अगर यहां है तो आपका टी और डब्ल्यू, टी यहां हो सकता है तो डब्ल्यू यहां होगा, अगर डब्ल्यू यहां होगा तो टी यहां होगा, लेकिन एम को हमने एक जगह बैठा दिया, एम को हमने यहां पे बैठा दिया, एम आप यहां बैठा सकते हैं, यहां आंसर आपका वही आएगा,
ठीक है, तो m को हमने अगर यहां पर ले लिया तो टी डब्ल्यू में से यहां कोई ना कोई एक जरूर होगा, लेकिन कौन होगा अभी ये क्लियर नहीं, ठीक है ना भाई। यहां पे भी टी हो सकता है, टी यहां पर भी हो सकता है, आपने कहा यहां पे डब्ल्यू भी हो सकता है, डब्ल्यू आपका यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब एक चीज देखो, जब यहां पर टी डब्ल्यू होगा ये भी क्लियर, तो यहां पर डी होगा ये भी क्लियर हो गया, यहां पर डी होगा ये भी क्लियर है। अब देखो यहां पे कहा जा रहा है कि D इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, जो D है वो T के ठीक बाईं ओर है। अब आपको पता है कि क्लॉकवाइज में क्या होता है, जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ होता है, तो आपने कहा क्लॉकवाइज में होता है लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज में होता है आपका जो है राइट। तो जो आपका D है वह T के ठीक बाईं ओर है, तो क्लॉकवाइज में चलेंगे तो T यहां पर बैठेगा। देखो उस कंडीशन में जब आप देखें तो T यहां पर बैठेगा, यहां पर आपका W हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पे आपका टी बैठेगा, और जब यहां पे आपका टी बैठेगा तभी तो उसके जो है राइट में कौन हो पाएगा डी, तो यहां पे कौन हो जाएगा आपका डब्लू, यहां पे कौन हो जाएगा आपका डब्लू। तो यहां पे पूछ रहा है कि हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है ना, डी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो आपने कहा डी के ठीक बाईं ओर डब्लू आ गया। तो पहले से आंसर निकल आया, केवल पहले स्टेटमेंट से आपका आंसर निकल आया। अब जरा दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, दूसरे स्टेटमेंट की देखो, दूसरे में दिया गया है कि D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, ये चार लोगों को आपने ऐसे बैठा दिया, ठीक है ना, ये चार लोग ऐसे बैठ गए, ये सेंटर पॉइंट है, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, कह रहा कि D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M, D जो है M के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब D M के बाएं से, अगर आपने यहां पर M बैठा दिया, ठीक है ना, तो D यहां पर हो जाएगा, अगर आपने M को यहां पर बैठा दिया तो ये तो कह रहा है कि D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M, D M के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो M को अगर आप यहां बैठा तो यहां पे कौन हो जाएगा D, यहां पे कौन हो जाएगा D। अब दो बचे T और W, यहां पे भी T हो सकता है, यहां पे W भी हो सकता है, यहां पे T भी हो सकता है, यहां पे W भी हो सकता है। तो क्या केवल दूसरे से आंसर पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हमको हमको टी और डब्ल्यू की जो है यहां पर पोजिशन ही क्लियर नहीं है, इसलिए जो है डी के लेफ्ट में कौन होगा, टी होगा कि डब्ल्यू, हम नहीं बता सकते। तो यहां पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यहां पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखिएगा कि केवल पहले कथन में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कथन दूसरे में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर आपको क्या देना है, ए देना है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ए बी सी डी और ई एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सी के निकटतम बाई ओर कौन है। अब देखो पहला स्टेटमेंट दिया कि ओनली ए इज बिटवीन ई एंड बी, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, पहले में है कि केवल ए ई और बी के बीच है, दूसरे में है डी बी के निकटतम बाई ओर है, और आपको यह निकालना है कि भाई हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के निकटतम बाई ओर कौन है। तो यहां पर देखो सबसे पहले आपने काम किया कि एक सर्कल आपने फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए ड्रॉ कर लिया और एक सर्कल आपने सेकंड स्टेटमेंट के लिए ड्रॉ कर लिया। तो हम यहां से इस बार सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, दो सर्कल को हमने यहां से ले लिया, एक जो है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए और एक जो है स्टेटमेंट सेकंड के लिए, ठीक है, ये आपका जो है फर्स्ट के लिए, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, एक और ड्रॉ कर लेते हैं, और ये आपका सेकंड के लिए, ठीक है, ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड के लिए, ठीक है, ये सेकंड के लिए। अब देखो जरा सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कितने लोग हैं, तो आपने कहा 5 पर्सन हैं, तो भाई जैसे आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया 5 पर्सन आपने इस प्रकार से बैठा दिए, 1, 2, 3, 4 एंड ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा सेंटर पॉइंट, ठीक है, इस वजह से यहाँ भी 1, 2, 3, 4 और कहीं भी यहीं बैठा दीजिए, या आप चाहें तो यहाँ इधर बैठा सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले आप यहां पर पहले स्टेटमेंट को पढ़िए क्या दिया गया है। कह रहा है कि ओनली ए इज बिटवीन ई एंड बी, ठीक है ना, केवल ए ई और ई के बीच में। तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर ए को ले लेते हैं, अगर हम यहां पर ए को ले लेते हैं, यहां पर हमने ए को ले लिया तो ए ई और ए बी के बीच में है। तो आपने कहा कि यहां पे ई होगा तो फिर बी यहां पर हो जाएगा। फिर वही कंडीशन कि अगर यहां पर ई हो गया तो यहां पे आपका बी हो जाएगा। क्लियर है भाई? चूंकि बी और ई की कंडीशन क्लियर नहीं है ना, तो भाई अगर यहां पे ये क्लियर है कि ए इन दोनों के मिडिल में है, तो अगर यहां पे ए है तो यहां पे ई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यहां पर भी ई और बी में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन होगा कोई ना कोई एक जरूर। ठीक है, अब देखो दूसरे पे आ जाओ। तो केवल पहले से ये नहीं निकल पाया कि जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, चूंकि भाई अभी दो प्लेस खाली है, इसमें जो है हम सी को कहां बैठाएं, डी को कहां बैठाएं, क्लियर नहीं है। ठीक है ना, तो अब पहले से तो आंसर नहीं निकल पाया केवल पहले से। अब जरा दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरे में दिया कि डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, डी बी के निकटतम बाई ओर है। अब देखो अगर हम यहां पर इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, पहले स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं, तो यहां पर आपको जो है डी की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। भाई ई और बी ये क्लियर है कि यहीं पर होंगे। अब यहां पे अगर हम देखो यहां पे ए ले लें, अगर हम यहां पर ए ले लें, यहां पे हमने ई और बी में से दोनों को ले रखा है, कि दोनों को मर्ज करके बता रहा हूं मैं आपको कि जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया उसमें अगर हम पहले को मर्ज कर लेते हैं, तो यहां पे देखो दिया गया कि डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो आपने कहा कि यहां पर बी को अब लेंगे, चूंकि यहां पर डी आएगा क्लॉकवाइज में लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज में आपका राइट होता है, कब, जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ होता है। तो भाई जो डी है वो बी के कहां है, राइट में है, सॉरी लेफ्ट में है। तो देखो अब बी की स्थिति क्लियर हो गई ना, कि बी अब यहीं पर होगा, बी आपका इधर नहीं होगा। तो जब बी यहां पर होगा तो यहां पर ई होगा, तो बचा कौन, बचा आपका सी, तो यहां पर सी होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो आंसर ई हो जाएगा। तो दोनों को, दोनों के हेल्प से आपका आंसर निकल आया, दोनों के हेल्प से आपका आंसर निकल आया, तो दोनों को मिला करके आंसर आया। तो यहां पे जो आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, यहां पे जो आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टूगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों को मिला करके, दोनों जो है कथन मिल करके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।